वीडियो बनाओ उसका, बनाओ वीडियो, बनाओ वीडियो, बनाओ आर्टिस्ट लोग का। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जहां मुंबई के बांद्रा पर एक लोकप्रिय कलाकार गोल्डन मैन के नाम से जाने वाले मशहूर गिरजेश गौड़ के साथ सोमवार रात बैंडस्टैंड पर एक नशे में धुत पुलिस कांस्टेबल ने मारपीट की। बता दें कि गौड़ ने खुद इस घटना का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया और घटना की जानकारी दी। उन्होंने अपने पोस्ट को कैप्शन दिया है कि वीडियो कल रात 8 बजे के आसपास बांद्रा बैंडस्टैंड पर शूट किया गया था। यह नशे में धुत पुलिस कांस्टेबल मेरे पास आया और अपने डंडे से हमला कर दिया। मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की और उससे पूछा कि वह मुझे क्यों मार रहा है, लेकिन वह अपना हमला जारी रखा। बाद में उसने मेरी गर्दन पकड़ ली जिससे मेरी सांसें रुक गई। मैंने उससे कई बार अनुरोध भी किया वह मुझे छोड़ दे, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। इस बीच उसने मुझे थाने ले जाकर मेरे खिलाफ केस दर्ज करने की धमकी भी दी। मैं एक कलाकार हूँ जिसका मेरे इंस्टाग्राम परिवार के अलावा कोई नहीं है। उन्होंने आगे लिखा, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो में पुलिसकर्मी को नशे की हालात में गौड़ पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। सौभाग्य से आसपास के लोग मौजूद थे जिन्होंने मामले को तुरंत शांत किया। हालांकि पुलिसकर्मी ने भीड़ के प्रतिरोध की परवाह ना की और अपना हमला जारी रखा। फिर वीडियो के अंत तक उसे गौड़ से दूर ले जाया गया। इस घटना ने सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर हंगामा मचा दिया है, जिससे पुलिस विभाग की व्यापक आलोचना हो रही है। लोग उस कलाकार के समर्थन में आगे आए जो पूरे शहर में प्रदर्शन कर रहा है। पुलिस की आलोचना हो रही है।